जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी निकली हुई है जितने भी अपनी CAPF है उसके अंदर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें जो एक्स सर्विसमैन है उसको कौन सी फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए, टोटल कितनी वैकेंसी है और इसका जो जो प्रोफाइल है वो क्या रहेगा। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इन वैकेंसियों के बारे में कंबाइंड रूप से बताया था, जो भी ASI और हेड कॉन्स्टेबल और हवलदार क्लर्क की जो वैकेंसी निकली हुई है, आज हम देखेंगे इस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 9 जून 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 8 जुलाई 2024 है। जो भी सर्विंग पर्सन है और एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको 8 जुलाई 2025 से पहले पहले रिटायर होना होगा। जो लोग भी 12th पास हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग 12th पास नहीं है लेकिन जिनके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है जो कि 15 साल की नौकरी के बाद मिलता है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीस इसमें कोई कुछ भी नहीं है एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पे लेवल की, तो पे लेवल इसमें काफ़ी अच्छा है। पे लेवल 4 की सैलरी मिलती है 25,500 से 81,100। टोटल अगर ग्रोथ सैलरी की बात करें तो लगभग 50,000 रुपये आपकी इनिशियल सैलरी होगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनने के बाद। तो दोस्तों, ये थी बेसिक जानकारी जो मैं पिछले वीडियो में भी दे चुका हूँ। अभी हम देखते हैं कि जो प्रोफाइल, तो दोस्तों काफ़ी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से क्या मतलब है, कि क्या काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पोस्ट है वो एक क्लर्क का पोस्ट है, और आपको इन सभी फोर्सेज में जाने के बाद एक क्लर्क का ही काम करना पड़ेगा। तो पूरी तरह एक क्लरिकल जॉब है, कोई भी जीडी ड्यूटी नहीं है, आपको ऑफिस में रह के इसमें काम करना है। काफ़ी लोगों के दिमाग में यह भी डाउट रहता है कि जो फौज से जो क्लर्क रिटायर होते हैं केवल वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फौज में आप चाहे जीडी हो चाहे क्लर्क हो, आप किसी भी ट्रेड से हों, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर इसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको क्लर्क का जो है काम करना पड़ेगा अपने आने वाले टाइम में। दोस्तों, वैकेंसी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, तो टोटल इसमें 1283 वैकेंसी हैं। एक्स सर्विसमैन का 10% कोटे के हिसाब से टोटल जो 128 पद हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। दोस्तों, अभी देख लेते हैं फोर्सेस के बारे में। तो इसमें कौन कौन सी फोर्सेस के अंदर वैकेंसी हैं, तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB और असम राइफल। तो ये सारी फोर्सेज हैं जिनके अंदर की जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या बोले तो हवलदार क्लर्क की जो वैकेंसी है वो निकली है। तो दोस्तों, अभी सवाल उठता है कि इन फोर्सेज में से सबसे बेस्ट फोर्स कौन सी है एज़ पर एक्स सर्विसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और एक्स सर्विसमैन को इसमें कौन सी जो फोर्स है उसको चूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं सारी फोर्सेज की, लेकिन एक्स सर्विसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो CISF का पोस्ट है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसको जो है ना सभी एक्स सर्विसमैन को इसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। इसके कुछ एक रीज़न है। सबसे पहला तो CISF जहाँ पर बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस होते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर ये रहती है, जैसे कि बड़े बड़े एयरपोर्ट जहाँ पर होते हैं या गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये CISF रहती है। तो आपकी जो जॉब है वो काफ़ी सही एरिया में होगी, और इसमें 0% रिस्क है, कोई भी इसमें रिस्क का जॉब नहीं है, नॉर्मल आपकी ड्यूटी है। और वैसे भी ये जो जॉब है तो क्लरिकल का जॉब है, तो इसमें तो और भी आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन में रह के ही आपको काम करना है, और बड़ी सिटी के अंदर आप रहोगे। तो मेरे हिसाब से जो CISF की जो जो जॉब है वो सबसे बढ़िया जॉब रहेगी अगर एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई करता है तो। दोस्तों, इसके बाद बात करें तो एरियाज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जिन लोगों को एरिया सूट करता है ITBP का, यानी कि जैसे आप जानते हैं कि ये जो तिब्बत बॉर्डर के आसपास वाला एरिया, यहाँ पर ITBP रहती है और आपको ऑफिस में रह के काम करना है, आपको किसी फील्ड एरिया में नहीं जाना है। तो जिन लोगों को वो एरिया सूट करता है उनके लिए ITBP सही है। SSB आप जानते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर के ऊपर रहती है, जो अपना भारत और नेपाल का बॉर्डर है वहाँ पर इसका डिप्लॉयमेंट रहता है। तो अगर वो एरिया किसी को सूट करता है तो आप SSB को ज्वाइन कर सकते हैं। और असम राइफ़ल के भी अपने कुछ फ़ायदे हैं, क्योंकि इसके जो बाकी के अगर फोर्सों के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इसके जो अलाउंसेज हैं वो काफ़ी बढ़िया रहते हैं, क्योंकि फौज वाली सारी सुविधाएं मिलती हैं इसमें। हालांकि एक्स सर्विसमैन को फौजी की सुविधाएं वैसे भी मिलती हैं, लेकिन पे एंड अलाउंसेज के बारे में बात करें तो असम राइफल इनसे थोड़ा बेटर है। और बचती हैं दो फोर्सें, BSF और CRPF, तो इनमें थोड़ा सा ज़रूर डिस्टर्बेंस रहता है, क्योंकि एक तो इनका एरिया बहुत बड़ा है। BSF आपका
काफ़ी पूरे देश में फैला हुआ है, तो कहाँ पर आपकी पोस्टिंग आएगी, कहाँ पर आपको डिप्लॉय किया जाएगा बता नहीं सकते। और सीआरपीएफ का भी यही हाल है कि उनका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है और उनका भी जो मूवमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा रहता है। हालांकि ये क्लरिकल पोस्ट है, इसमें हो सकता है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी जो बीएसएफ और सीआरपीएफ इन बाकी जितनी भी फोर्सेज हैं और इसमें थोड़ा सा आदमी को मूवमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये आप इस हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो। दोस्तों अभी देखते हैं कि इसमें चॉइस आपको कैसे करनी है। तो मान लीजिए कि आपने ये जो भी इसके लिए अप्लाई करते समय आपको एक प्रायोरिटी आपकी देनी पड़ेगी कि आप सबसे पहले किस फोर्स में जाना चाहते हैं, उसके बाद किस में, और उसके बाद इस टाइप से आपको एक प्रायोरिटी इसमें सेट करनी पड़ेगी। अभी जब आपकी मेरिट बनती है तो अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं, और हो सकता है कि आपने सभी इनका अलग अलग कट ऑफ बनेगा, जैसे सीआईएसएफ का अलग कट ऑफ बनेगा, आईटीबीपी का अलग बनेगा, एसएसबी का अलग बनेगा, तो आपने मान लीजिए कि सभी का कट ऑफ पार कर लिया है, आपने जो आपने चॉइस दी उस हिसाब से आपने जैसे आपने 1, 2, 3, 4 में जो भी रखा उनका सभी का कट ऑफ आपने पार कर लिया है, तो फिर आपको अपनी चॉइस की वो जो है फोर्स आपको मिलेगी। और मान लीजिए कि आपने जो फर्स्ट चॉइस रखा है सीआईएसएफ को, लेकिन सीआईएसएफ का आप कट ऑफ पार नहीं कर पाए, जो उसका एक कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है वो अगर आप पार नहीं कर पाए, तो फिर आपको जो सेकंड आपकी जो चॉइस है वो मिलेगा। अगर आप सेकंड का भी नहीं कर पाए तो थर्ड का मिलेगा। तो इस हिसाब से इसमें अलॉटमेंट होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी ठीक ठाक है, कुछ एक फोर्स में काफ़ी बढ़िया जॉब है। दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस जैसे मैंने पहले भी बताया था, फिज़िकल आपका टेस्ट पहले होगा, शायद सितंबर अक्टूबर के महीने में आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी, और अंत में आपका जो स्किल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल होगा। तो इस प्रकार से इसका सिलेक्शन आपका होगा। पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि जो भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है वो एक साथ निकाली जा रही हैं, अदरवाइज सभी फोर्सों में ये वैकेंसी अलग अलग निकलती थी। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।